बच्चों तुम लोगों ने समीकरण के बारे में कक्षा 6 में पढ़ा होगा। जी। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, कौन कौन से? रेखीय समीकरण, दायां पक्ष और बायां पक्ष, और बीच में बराबर का चिन्ह होता है। जी दीदी। जी दीदी। तो समीकरण कई तरह के होते हैं। जिन समीकरणों में चर की घात 1 होती है उन्हें हम रेखीय समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय समीकरण। तो आज हम लोग यहाँ पर रेखीय समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे समीकरण जिनमें चर की घात 1 होती है। इसमें उदाहरण के लिए यहाँ पर कुछ हमने समीकरण लिखे हैं। इसमें आप क्या बता सकते हैं बच्चों देख के कि पहला समीकरण कैसा है? रेखीय समीकरण। रेखीय है। दूसरा? वो भी रेखीय है। तीसरा? रेखीय समीकरण। चौथा? वो भी रेखीय है। पांचवा? ये भी रेखीय है। शाबाश। और छठवां समीकरण? वो रेखीय नहीं है। और सातवां? वो भी नहीं है। नहीं है, शाबाश। तो ये छठा और सातवां रेखीय क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें दो संख्याएं हैं, दो घात है, क्योंकि इसमें चर की घात 2 है। और रेखीय समीकरण वो होते हैं जिनमें चर की घात 1 होती है। ऐसे समीकरण जिनमें चर की घात 1 हो रेखीय समीकरण कहलाते हैं, जिनके बारे में आज अब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर अब हम रेखीय समीकरणों को हल करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमने बच्चों कुछ समीकरण लिखे हुए हैं। पहला समीकरण है, पढ़िए क्या है ये? x-4=3। इस समीकरण में हम दोनों ओर किस संख्या को जोड़ दें कि हम इसका कुछ हल निकाल सकें? कौन सी संख्या जोड़ दें? 4। यानी 4 हम इस तरफ जोड़ दें और 4 इस तरफ जोड़ दें, तो इसका हल कितना आया बता सकते हैं आप लोग बेटा? 4 इस तरफ जोड़ेंगे तो यहाँ केवल x बचेगा, और हम 3 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 3 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 8 नहीं, कितना आएगा बेटा जोड़ के बताइए? 7। शाबाश। 3 में 4 जोड़ने पर 7 आएगा। ये दूसरा समीकरण है। इसमें हमें x का मान ज्ञात करने के लिए कौन सी संख्या दोनों ओर घटानी पड़ेगी? 5। शाबाश। 5 को हम यहाँ घटा देंगे तो यहाँ केवल x बचेगा, और 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। तो यहाँ पर हम क्या लिख दें? 3। शाबाश। यहाँ पर 3 और x के बीच में कौन सा चिन्ह माना जाता है? गुणा का। शाबाश बेटा, गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो 3 और x में गुणा है, तो x में किस संख्या से हम भाग दे दें कि x अकेला हो जाए, केवल x बचे? 4 से। यहाँ 3 की गुणा है इसमें, तो 3 से। 3 से भाग दे दें, तो 3 से दोनों ओर भाग देंगे तो कितना यहाँ पर उत्तर आएगा? 4। नहीं, 3 से जब हम 6 में भाग देंगे तो 3 से 6 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 × 6 कितना आएगा? 3 × 6 कितना आएगा? 6। 2 आएगा बेटा। हाँ, 3 × 6 6 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ पर x में किस संख्या से भाग है? 5 से। तो किस संख्या से दोनों तरफ गुणा करें? 5 से। तो यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो x बचेगा, और 1 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 में 5 से गुणा, 5 × 5। ये बात समझ में आई? यहाँ पर हमने पहले समीकरण में क्या किया, दोनों ओर एक जैसी संख्या को जोड़ दिया और हमारा हल निकल आया। समीकरण 2 में हमने दोनों ओर एक ही संख्या को घटा दिया, इधर भी 5 घटाया और इधर भी 5 घटाया, हमारा हल आ गया। समीकरण 3 में हमने दोनों ओर एक ही संख्या से गुणा किया, भाग दिया, तो किससे भाग दिया हमने? 3 से। और समीकरण 4 में हमने एक ही संख्या से दोनों ओर गुणा किया, किस संख्या से? 5 से। तो हमें हल प्राप्त हो गया। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, ये एक समीकरण हमने लिख दिया है, इसको हल करने के लिए, x का मान ज्ञात करने के लिए हम कौन सी संख्या दोनों ओर से घटाएं? 2 को। शाबाश, 2 को हमने घटाया, तो हम इस प्रकार से लिख देते हैं 2। ये हमने पहले बायां पक्ष लिख लिया, इसमें से हमने 2 घटाया, और फिर हम बराबर का चिन्ह लगा के दायां पक्ष लिख लेंगे और इसमें से 2 घटाएंगे। ये 2 और ये 2 मिलके कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ पर 3 में से 2 घटाने पर कितनी संख्या बचेगी? 1। तो ये हल निकल आया, इसका हल हो गया x बराबर 1। चलिए एक सवाल हम और लिखते हैं और आप लोग बताइएगा कि किस तरह से उसको हम हल करेंगे। बताइए इसमें हम दोनों ओर क्या करें? 3 को जोड़ दें। 3 को जोड़ दें, दोनों ओर 3 को जोड़ देंगे तो ये इस प्रकार से
देखिए कितना आएगा, यानी ये तो मिलके हो गया आपका शून्य, यहाँ बचा केवल x और ये बराबर हो गया सात, तो ये x का हल हो गया। तो दोनों ओर यहाँ पर हमने क्या देखा कि दोनों ओर कोई भी संख्या जोड़ दे या दोनों ओर कोई भी संख्या घटा दे उससे समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और हम समीकरण का हल आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। इस क्रिया को कहते हैं पक्षांतर। इसमें हम एक सवाल और आप लोगों के सामने किया हुआ है, x प्लस फाइव बराबर थ्री, इसमें दोनों पक्षों में से हम क्या घटाएं, पांच, पांच घटाने पर ये देखिए प्लस फाइव और हमने माइनस फाइव यहाँ किया तो हमें बराबर के दूसरी ओर भी माइनस फाइव करना पड़ेगा। इसके बाद ये दोनों मिलके तो जीरो हो गया, एक्स प्लस जीरो बराबर थ्री माइनस फाइव, या एक्स बराबर हमारा जीरो हमने हटा दिया, एक्स बराबर हो गया थ्री माइनस फाइव। तो यहाँ पर आप इस वाले समीकरण को देखें और इस वाले समीकरण पे ध्यान दें, ये हमारा सवाल है और यहाँ पर ये किस रूप में आ गया कि ये पांच जो यहाँ x के साथ जुड़ा था ये बराबर के दूसरी ओर चला गया और उसका चिन्ह बदल गया, धन से ऋण हो गया, है ना। तो इस क्रिया को कहते हैं पक्षांतर, यानी पांच जो था ये बाएं पक्ष में था और अब यहाँ पर पांच कहाँ आ गया है, दाएं पक्ष में, ये दाएं पक्ष में आ गया, पहले ये बाएं पक्ष में था, इस क्रिया को कहते हैं पक्षांतर। इस प्रकार बाएं पक्ष का पांच जो है वो दाहिने पक्ष के माइनस पांच के रूप में आ गया है, इसको हम पक्षांतर कहते हैं। फिर यहाँ पर हमने घटा दिया, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा के बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, तो x का मान हो गया हमारा माइनस दो। पक्षांतर करने पर एक तरफ से दूसरी तरफ जब संख्या जाती है या कोई पद जाता है तो उसके मान में परिवर्तन हो जाता है, अगर वो धन है तो वो ऋण हो जाता है, यदि कोई धनात्मक पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने पर ऋणात्मक हो जाता है, और यदि वो ऋणात्मक है यानी कोई ऋणात्मक पद है वो एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने पर धनात्मक हो जाता है। जी दीदी, पद कहने का मतलब है चाहे वो बीजीय अक्षर हो, चाहे वो केवल संख्या हो, और चाहे हम उसको दाएं पक्ष से बाएं पक्ष की ओर ले जाएं या चाहे बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की ओर ले जाएं उसका चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। यदि वो धन है तो वो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा, और अगर वो गुणा है तो उसके चिन्ह दूसरी ओर जाने पर क्या हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। अगर इस ओर वो भाग के चिन्ह में है तो दूसरी ओर जाने पर, दूसरे पक्ष पर जाने पर वो गुणा का हो जाएगा, गुणा का। तो धन वाला ऋण हो जाता है, ऋण का पद धन हो जाता है, गुणा वाला भाग हो जाएगा और भाग वाला पक्ष जो है वो गुणा हो जाएगा। ये एक सवाल है, इसको हम बेटा आप लोगों को हल करके बता रहे हैं, हल करेंगे और अपने उत्तर की जांच करेंगे, यानी जो हमने उत्तर निकाला है हल करके वो सही है कि नहीं, तो ये हम पक्षांतर करेंगे, आप बताते जाएंगे ये वाला जो है ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, तो इसमें इसको हल करने के लिए हम बीजीय अक्षरों को एक तरफ रखेंगे और अंकों को बराबर के दूसरी ओर करेंगे। तो पहली बार में हम इस सात को बराबर के उस ओर ले जाना चाहते हैं, तो ये हमने फाइव एक्स लिख लिया, बराबर लगा दिया, अब हम सात को उस ओर ले जाना चाहते हैं। उस ओर जब हम कोई संख्या ले जाते हैं तो इस ओर जो संख्याएं हैं उनको तो पहले लिखेंगे, ये जो अपने स्थान पर है इनको तो हम पहले लिखेंगे, तो हम x लिखेंगे प्लस फाइव लिखेंगे और फिर हम इस सात को उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ सात का चिन्ह कौन सा है, ऋण है, उस ओर जाने पर वो धन मात्र धन हो जाएगा, तो ये हो गया धन, ठीक है। और अब हम देख रहे हैं कि ये x जो है ये हमारा दाएं पक्ष में लिखा है, इसको हम यहाँ बाएं पक्ष में ले आना चाहते हैं, इस x को हम बाएं पक्ष में ले आना चाहते हैं, यहाँ पर x का चिन्ह कौन सा है, पहले तो हम ये बाया पक्ष का फाइव एक्स लिख लें, x का चिन्ह कौन सा है, धन है कि ऋण है, धन है, और इस ओर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, शाबाश। तो फिर यहाँ पर हमारा बचा फाइव प्लस सेवन, अब यहाँ ये फाइव एक्स है और ये केवल x है, हम घटा देंगे, घटाने की क्रिया करेंगे, कितना आएगा बता सकते हो, फाइव एक्स में से एक x घटाएंगे तो फोर एक्स, शाबाश फोर एक्स आ गया, और यहाँ पर सात और पांच जोड़ देंगे कितना आएगा आकाश बताओ तुम, बारह, बारह, शाबाश। तो अब हम यहाँ पर ये 4x बराबर 12 आ गया, 4 और x में गुणा का चिन्ह है, 4 को हम बराबर के उस ओर ले जाएंगे तो किस चिन्ह, कौन सा चिन्ह हो जाएगा, भाग का, 4 यहाँ गुणा में है और बराबर के उस ओर ले जाने पर बराबर के इस ओर जो संख्या है उसे पहले लिखेंगे, फिर x से जिस संख्या में गुणा है उस संख्या को उस ओर ले जाके हम भाग के रूप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, भाग के रूप में, फिर हमने 4 से 12 में भाग दी तो कितना आएगा बेटा,
चार से बारह में भाग देंगे तो चार का पहाड़ा पढ़ो, चार तिया बारह कितना आ जाएगा, तीन। ये हम यहाँ पर या लिखते जाते हैं बराबर, इसको इस प्रकार हल करने के लिए। तो ये समीकरण हमारा हल हो गया, इसका मान कितना आ गया, तीन। अब हम अपने उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच के लिए हम दायां पक्ष और बाएं पक्ष में अलग अलग x के इस मान को रख के देखेंगे कि क्या दोनों तरफ मान बराबर जैसा आ रहा है। यहाँ पर हमने मान लीजिए कि ये दायां पक्ष लिया, दायां पक्ष हमारा है 5x-7, दायां पक्ष हमारा है x+5। दायां पक्ष हमारा कितना है x+5। x का मान हमने कितना निकाला था, तीन। तो यहाँ पर हम x नहीं लिखेंगे, x की जगह पर कितना लिखेंगे, तीन। शाबाश, x की जगह पे हम लिख देंगे तीन। तो ये हो गया हमारा 3+5 कितना हो गया बेटा, 3+8। तीन में पांच जोड़ा 8। अब हम बायां पक्ष अपना देखते हैं। हमारे सवाल का बायां पक्ष है 5x-7 कितना है, 5x-7। तो 5 और x के बीच में कौन सा चिन्ह माना जाता है, गुणा का, गुणा का है ना, तुमने बताया था बेटा, क्लियर। 5 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो हम लाओ ऐसे लिख लेते हैं 5x-7। अब x का मान हमने कितना निकाला था सवाल में, तीन, तीन निकाला था। तो हम x की जगह कितना लिखेंगे, तीन। तो ये हो गया तीन, हमने 5 3 15 हो गया, और 15 में से 7 घटाया तो कितना हुआ बताइए बेटा, 15 में से 7 घटाया 8 आ गया, 8 आ गया। तो दायां पक्ष भी 8 और बायां पक्ष भी 8। इस प्रकार से जो हमने उत्तर निकाला था अपना वो सही है, दोनों पक्ष 8 8 हो गए। समझ में आया सवाल,